एरिया। भाई जहाँ पे पानी खड़ा है वो भी बेचारे कोई जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन उनके पास कोई जगह नहीं है पानी हाँ, निकालने के सही लिए। बात। कमेंट्स में मैंने देखा है लोग समझते बड़ा आसान काम है, लेकिन जो कर रहा है ना वही बंदा बता सकता है कितना मुश्किल काम है। सही बात। दूसरी बात, इस मौसम के अंदर जानवर का सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल गुड। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाया मैंने कि कितना परेशानी यहाँ पर हुई हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी सब जगह हुई हुई है और सब जगह ही हुई हुई है परेशानी। तो दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों को इस चीज़ का इल्म हो कि भाई यहाँ भी थोड़े से मामला थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि बारिशें इतनी हुई हुई हैं कि आप लोग खुद देख सकते हैं इतनी बारिशें कराची में आज तक हुई नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी लगातार 2-2.5 महीने हो गए अब तक बारिश रुकी नहीं है, और अभी भी मुसलसल यानी कि थोड़ी टिप 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 चली रही है ना। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी बेहतर है। अभी सारी चीज़ें सूखी हुई हैं, अभी पीछे नसर भाई जो हैं लगे हुए हैं पीछे काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सारी जो गीली मिट्टी है वो निकाल रहे हैं, और जो हमारी जो मिट्टी आई हुई है मोरम मिट्टी जो आई हुई है वो आज कह दिया है मैंने कि यार इसको थोड़ा सा मोरम मिट्टी डाल दो, इंशाल्लाह बारिश अगर हो भी जाती है तो थोड़ा मोरम मिट्टी थोड़ी दब जाएगी, फिर उसके बाद भालू मिट्टी इंशाल्लाह कल आने वाली है, मे बी पॉसिबल शायद कल या परसों में भालू मिट्टी भी आ जाए, कल और परसों में इंशाल्लाह भालू मिट्टी भी आ जाएगी। तो आप देखते हैं इंशाल्लाह कल आती है फिर ये वाली दब जाएगी तो उसके ऊपर भालू मिट्टी डल जाएगी तो मामला और अच्छे हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, और इरफान भाई भी आए हुए हैं, इरफान भाई से पूछते हैं भाई क्या सूरत हाल है, दूसरे फार्म्स पे क्या सूरत हाल है। और आलम भाई भी आए हुए हैं, अभी यही डिस्कशन चल रही थी यार ये तो काफ़ी बेहतरी पर है मामला, तो आइए उनसे भी पूछते हैं कि फार्म के दूसरे फार्म्स के क्या हाल हैं और हमारे फार्म के क्या हाल है। भाई देख सकते हैं आप लोग के नसर भाई जो हैं वो मिट्टी निकाल रहे हैं और बाहर कर रहे हैं, बहुत सूखा वाला मामला हो गया, दब गई है मिट्टी सारी ना, ये सारी मिट्टी जो है दबी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जब दब जाएगी जब मिट्टी सारी सब सूख जाएगा, अगर धूप भी निकल जाती है ये भी अच्छा हो जाएगा मामला। बाकी वो इरफान भाई जो है सामने यासूब को साफ़ कर रहे हैं, ये मोहब्बत है, और आलम भाई भी बैठे हुए हैं और वो भांजे बैठे हैं मेरे ऊपर मस्तियाँ कर रहे हैं। बाकी अभी इरफान भाई से पूछते हैं भाई क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप दूसरे फार्म्स की। इरफान भाई जो हैं वो यासूब को साफ़ करने में लगे हुए, खरखरा हाथ में ले लिया, साफ सबने कर दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मैंने इसको कल दिखाया मैंने इसको ना, तो बड़ी हाइट वाइट निकाल ली है इसने और बुरा लेंथ में जा रहा है माशाल्लाह से, ये क्या कहते हो आप? माशाल्लाह बहुत फर्क आ गया भाई, अभी वो भी यही कह रहे थे। आलम भाई दूसरे फार्म्स की क्या सूरत हाल चल रही है, वैसे आप होकर आए मेरे ख्याल से 2 से 3 जगह पर। दूसरे फार्म में तो इतना बुरा हाल है ना कि खुलड़िया भी डूबी हुई है खाने की। अभी जो लांडी का आप बता रहे थे डूबे हुए भाई, अंदर के फार्म तो जो है ना बहुत ज्यादा पानी में डूबे हुए, वहाँ के गवाले काम छोड़ के भाग गए। अच्छा, सोने की जगह नहीं है उनकी, मंजा डूब जाए इतना पानी खड़ा हुआ है। तो जा जानवर जिस तरफ शेडों में खड़े हुए हैं तो बस वही जगह है, बाहर तो लाने की जगह ही नहीं है। यहाँ तो बस थोड़ा बहुत कीचड़ है, मिट्टी है, मतलब वो भी काफी प्रॉपर हो गया है, लेकिन वहाँ दूसरी जगह पे तो आप घुटने तक के पानी में तो जाके आपको अपने जानवर तक जाने का वो चाहिए कि घुटनों तक पानी में डूब के जा सकते हो तो जाओ वहाँ पे, और फुल कीचड़ वाला पानी है। तो आप कंपेयर करते हैं हमारे गिडाप के एरिया का, अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिया में तो बहुत आफियत है भाई, अल्लाह पाक वहाँ पे भी काम करे जहाँ पे ऐसे पानी खड़े हुए लोगों के जानवर मर रहे हैं। कितनी जगह पे तो देखा है खुलड़ियों के ऊपर बड़ा जानवर चढ़ के खड़ा हुआ है भाई पानी से बचने के लिए, अल्लाह पाक आफियत करे, आसानी करे सबके लिए, रहमत वाली बारिश हो, लोगों का नुकसान। आमीन आमीन आमीन, आसानी भाई सबके लिए दुआ करते हैं भाई। बारिश है जो है ना इरफान भाई वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है भाई, जहाँ पे पानी खड़ा है वो भी बेचारे कोई जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन उनके पास कोई जगह नहीं है पानी निकालने के लिए। सही बात है। आपने वैसे आज तक देखी इतनी बारिश कराची ना में? भाई कभी ऐसा इतना नुकसान तो यार, हमारा खुद का आटे का काम है तो हम भी भुगत रहे हैं कि कितना हमारा भी इसमें नुकसान हो रहा है पानी की वजह से, हर जगह से पानी, हम लोग अपनी कंपनी में हर जगह से पानी आ रहा है, आए दिन काम बंद होता है, पानी आ गया पानी आ गया। तो बस अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे, सभी का इसमें नुकसान हुआ है, सभी का नुकसान। और किसी ने अगर अपने फार्म के ऊपर सफाई नहीं रखी तो जानबूझ के नहीं किया, मजबूरी है, क्या करेंगे। ये हमने सर्कल वैसे कभी देखा ही नहीं है ना, हमारी लेबर अभी भी लगी पड़ी है, लोगों की लेबरें भाग गई कि हम कैसे करेंगे यहाँ पे। सही बात है, सही बात। मैं वही बोल रहा हूँ कराची में 2 महीने तक बारिश होना एक
अलग ही किस्म का बारिश होती थी, बीमारी से जानवर मर रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ बारिश तो होती थी लेकिन इतनी मुसलसल बारिश है, पहले क्या होता था पिछले साल की बात, बारिश हुई है मगर धूप निकल कर आ गई, सूख गया। अब तो धूप ही नहीं निकल रही, पूरे डेढ़ महीना हो गया धूप ही नहीं आ रही। आप देख सकते हैं सूरज अभी भी बादलों के अंदर छुपा हुआ है और नसर भाई जो है माशाल्लाह से काम कर रहे हैं। बाकी ये मिट्टी जो है ये थोड़ी थोड़ी फैलाई है यहाँ पर नसर भाई ने और कीकू और अशरफ वगैरह ने सारा मामला सेट करें। अभी ये नसर भाई खुद कह रहे हैं भाई अब बारिशें ना हो तो ये सब सीधा हो जाएगा इंशाल्लाह, और बालू मिट्टी आ जाती है नसर भाई तो काम हो जाएगा। ओके बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, बालू मिट्टी ला, भारी मिट्टी इंशाल्लाह कल आ जाएगी, कल ला परसों सूखा देखेगा बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस मामला आफियत वाले होंगे इंशाल्लाह आगे अगर बारिशें नहीं होती। बाकी एक भाई कह रहे थे भाई वो आप लोग अब प्रोफेशनल उसमें आ गए हो तो आप लोगों को चाहिए कि एक छपड़ा वो वाला लगा लें, क्या कहते हैं सीमेंट वाला जो छपड़ा होता है वो लगा लें। तो भाई सीमेंट वाले छपड़े में थोड़े से कॉस्ट वगैरह भी लगती है और सारी चीज़ें हैं। बहरहाल उनका कहना भी सही है कि जानवर भी सेफ़ रहेंगे कुछ भी रहेंगे, मगर हमारे हिसाब से जो है ना ये वाला जो शेड है वो बहुत अच्छा रहता है सर्दियों में भी गर्मियों में भी, और सारे मामलात अच्छे रहते हैं और हम लोगों ने सर्दी गर्मी के हिसाब से सब अरेंजमेंट किए हुए। मगर ये जो एक बारिश वाला मामला है वो थोड़ा सा एक डिस्टर्बिंग हो गया है हमारे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी हुआ है। शहर में आप देख सकते हैं क्या हालत हो रही है, इसका अंदाज़ा आप लोग खुद लगा सकते हैं। बहरहाल सर्दियों के इंतज़ाम इंशाल्लाह किया हुआ, एक पर्दा था एक ये सारा एक पर्दा हुआ हुआ था, अब इंशाल्लाह अब सर्दी आएंगी तो मैंने सोचा हुआ है कि ये पूरा इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, इसी तरह का पर्दा लेकर आएंगे और इसको कवर कर देंगे, सर्दियों से भी इंशाल्लाह आफियत वाला मामला हो जाएगा। अच्छा भाई ये एक भाई हमारे पास आए हुए हैं रेंडमली आए हुए हैं, क्या नाम है भाई आपका? कैफ कुरैशी भाई। जो हॉनेस्ट रिव्यू दूं ना मैं? जी जी। कमेंट्स में मैंने देखा है लोग समझते बड़ा आसान काम है, लेकिन जो कर रहा है ना वही बंदा बता सकता है कितना मुश्किल काम है। सही बात है, लोग देखते हैं सफाई नहीं कर रहे लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। और ऑनेस्ट रिव्यू दूं ना तो मैं, ये बहुत जबरदस्त जानवर है माशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह भाई, जज़ाकअल्लाह। अल्लाह इन बाकी जानवर आपने वीडियो में देखे और यहाँ देखे क्या क्या तब्दीली नजर आई? 10 गुना अलग है, जानवर बहुत बड़े हैं माशाल्लाह, वीडियो में छोटे लगते हैं कैमरे में ना। सही सही। ऑनेस्ट रिव्यू दूं मैं अपना कोई वो नहीं है, मेरे को बहुत पसंद आया माशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह भाई, जज़ाकअल्लाह भाई। ये कोई वो नहीं है कि परवान चढ़ा है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सेहत तंदुरुस्ती दे और तबीयत खराब ना करे इंशाल्लाह। बाकी भाई इनके जानवर भी मैंने देखे, इन्होंने अपना शौक दिखाया माशाल्लाह, बहुत अच्छी बछड़ियाँ, बछड़ियों के शौकीन हो ना तुम? तो बछड़ियों के पेंगुइन तुमने कहा, पेंगुइन को देखने आए थे, बकरे करीम को देखने आए। जज़ाकअल्लाह भाई, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो आलम भाई भी बैठे हुए थे, तो आलम भाई भी बता रहे थे अभी डिस्कशन यही चल रही थी भाई कितना कीचड़ कितना पानी चल रहा है पूरे शहर में। कल मेरा दोस्त है अब्दान ना, हम दोनों गए थे कहीं बछड़े देखने के लिए। सही। तो वहाँ पे जिस तरह ये साइडों में बंधे हुए ना जानवर, इस तरह जानवर बंधे हैं सिर्फ वहीं पे सॉलिड है बस। अच्छा अच्छा। उसके बाहर इतना कीचड़ है कि जो भैंसे थी जो पानी पिलाने ला रहा था तो भैंसों को घुटनों से ऊपर कीचड़, पानी नहीं बोल रहा मैं, कीचड़ कीचड़ था वो, और कुछ का घुटनों तक और कुछ के हवाने तक जो ना उसके अंदर डूबे हुए थे, और बहुत ज्यादा बुरा हाल है वहाँ। तो लोग आजीज आ गए, डेयरी वालों को तो ये मुसीबत पड़ गई है कि उनका जो दूध की प्रोडक्शन है उसके अंदर 20% की कमी आ गई है। यानी जिस बाड़े के अंदर 15 मन दूध था वहाँ पे 12 मन पे आ गया दूध, 11 मन 12 मन पे दूध आ गया है। तो ओवरऑल नुकसान हो रहा है यार, एक तो दूध की प्रोडक्शन बेचारों की कम हो रही, दूसरी बात इस मौसम के अंदर जानवर का सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो जो है ना अपने आप को आधा कर लेते हैं, मैनेज कर ले, बहुत बड़ी बात है। जिस जानवर ने, अभी इरफान भाई यही बता रहे थे कि मर रहे हैं बाकायदा जानवर इतने कीचड़ में। यहाँ पे मैंने अपने आप को अपने जानवर का बताया कि माशाल्लाह मुझे पीछे खड़ा हुआ है आपका, माशाल्लाह जो है ना मुझे कोई इसमें वो नहीं लगी कि यार कोई कमी है, लेकिन मैं जो देख के आया हूँ जानवर में देख के आया हूँ तो यार वो वाकई लॉस के अंदर है। और जो वैसे तो ये जानवर अभी अगर वेट लॉस कर लेंगे ना तो थोड़े दिनों के बाद बढ़ा भी लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो डेयरी के जानवर है ना वो तो लॉस है टोटल, उनका जो दूध गया कम, डे वाला मामला होता है ना, दिन का मामला होता है उनका। दूसरा वो फिर आने में दोबारा अपने लेवल पे आने में बहुत टाइम लेंगे। सही। ये तो चलो खैर है, महीने के बाद नहीं दूसरे महीने अपने जो है जगह पे वापसी आ जाएंगे, वो नहीं हो उनके अंदर तो फिर लॉस है, जो गया तो गया। और पानी एक गिर बंदा जो है उसका रास्ता बना लेता है, कीचड़ का रास्ता नहीं, कीचड़ पड़ गया तो फिर वो आपको चढ़ना है उसी में। 150 गाड़ी है, उसके सलफ कितना ऊंचा होता है, वो सलफ तक के कीचड़ का, ओए होए हैंडल तक, यानी सलफ तक उसके, और हैंडल नहीं इंजन पे सलफ लगा हुआ होता है। ओ अच्छा, उधर तक, उधर तक कीचड़ ऐसा कि बिल्कुल वो जैसे मट्टी पानी में मिला दो गारा से गारा बन जाता है।
लेप बन जाता है पूरा। मेरे भी तकरीबन समझ लो कि एक एक डेढ़ डेढ़ फुट कीचड़ था। हम लोग जब जानवर देखने के लिए जा रहे थे तो बहुत मुश्किलों से गए, मैं तो जा भी नहीं रहा था, मैं पीछे खड़ा हो गया। मेरा दोस्त यार दानुश बोला आए यहाँ पे तो आगे भी जाएंगे, चल चल के देख के आते हैं। सही सही, लेकिन बहुत बुरा हाल है। हम लोग फिर सुकून में, यहाँ बहुत सुकून है, सही प्रॉब्लम है यहाँ, लेकिन वहाँ के मुकाबले बहुत सुकून है। और यहाँ पे आप लोगों की जो लेबर को क्रेडिट जाता है, हाँ हमारे मैनेज करा हुआ है नसर भाई बहुत बहुत अभी भी लगे हैं भाई, लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर सकते हैं। सही, और सही। कुछ नहीं हमारे हाथ में, कोशिश ही कर सकते हैं। सही कर रहे हैं कोशिश, माशाल्लाह बहुत अच्छा है जो है ना। और मैं यही देख रहा हूँ कि शहर में इतना बुरा हाल है तो इधर उधर क्या है बुरा भाई। सिंध के अंदर तो इतना बुरा हाल है कि वहाँ पे तो नीचे हमारे बता नहीं रहे, वहाँ इतना पानी है कि लोगों के घर तक गिर चुके हैं। कीको बता रहा था, कीको का घर भी गिर चुका है। मेरा एक दोस्त जागी रानी है, कंबल से थोड़ा सा आगे रहता है, उनके गांव में उनके घर बेचारे गिर गए, उनके गायें बीमार हैं, जानवर बीमार हैं उनके। तो बहरहाल बारिश चले, बहरहाल अल्लाह ताला सबके साथ आफियत वाला मामला करे और सुकून वाला मामला करे। दुखी होता है कि यार अल्लाह जो है रहमान वाला मामला करे सबके साथ इंशाल्लाह। इंसान से बढ़ के नहीं है ये। सही बात है, सही बात, इंसान को बुरा हाल है फिर तो जानवर। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मैं आपको आलम भाई का बछड़ा खुला हुआ है तो दिखाई देता हूँ। माशाल्लाह आलम भाई का खुद का कद इतना ऊंचा, आइएगा आलम भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, इन बड़े बछड़ों में भाई ये दिखता नहीं है, साफ सी बात है। आलम भाई मुझसे भी तकरीबन एक फीट ऊपर हैं। हाँ वो जब बछड़े सब साथ आए ना तब इसकी हाइट पता चली है कि कितना बड़ा, यानी कि माशाल्लाह माशाल्लाह जानवर होते हैं उनसे काफी हाइट। हाँ माशाल्लाह, और ये और मुझे लगता है थोड़ा सा और निकालेगा कद। हाँ दो दांत हुआ है, हाँ अभी तो हुआ है ना दो दांत, अभी तो टाइम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी आप मेरे ख्याल से एक हफ्ते बाद आए, क्या कैसे लग रहा है प्रोग्रेस? माशाल्लाह मैंने आके आपको बोली थी बात। हाँ। मुझे ये था कि जानवर जो ना अपने आप को मैनेज कर ले, बहुत बड़ी बात है, लेकिन माशाल्लाह ये अपनी जगह पर सेट है माशाल्लाह। मुझे इम्प्रूवमेंट नजर आई है मेरे को, वरना तो इस मौसम के अंदर जानवर डिस्टर्ब होता है बहुत ज्यादा, डिस्टर्ब बैठने उठने से, एक जगह बंदे बंदे उठा। सही सही, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों की मैनेजमेंट अच्छी है, मेहनत कर रही है इसके ऊपर, सेट होता रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस ये थोड़े से दिन हैं और इंशाल्लाह आगे फिर भरपूर मेहनत करेंगे। सेहतमंद है वो, अपनी सेहत को नीचे गिराता है तो उसे उठने में सिर्फ दो से चार दिन चाहिए होते हैं, वो अपने आप को दोबारा रिकवर कर लेता है। बस जान बचनी चाहिए, जान बचनी चाहिए जानवर की। नहीं इंशाल्लाह बस ये बारिशों के दिन निकल जाए फिर इंशाल्लाह इन पे और डबल मेहनत वाली बात है, डबल मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, बाकी ये आज की अभी फ़िलहाल अपडेट थी, जानवर मैंने कल आप लोगों को दिखा दिए सारे, बाकी फार्म की मैंने अपडेट दे दी आप लोगों को। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।